जिले के गांव मकड़ानी में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा गांव के 9 किसानों द्वारा कर्ज नहीं चुकाने पर उनकी आज होने वाली जमीन की नीलामी को रोक दिया। हालांकि इस मामले को लेकर गांव में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में पहुंचे भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में किसानों की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। गुरनाम सिंह ने सरकार को सीधे रूप से चेतावनी भी दी कि हरियाणा में किसी भी किसान की जमीन नीलामी करने का प्रयास किया तो किसान बैंक अधिकारियों को बंधक बनाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। दादरी जिले के गांव मकड़ानी में बैंक का कर्ज ना चुकाने के कारण बैंक द्वारा 9 किसानों की जमीन नीलामी का मामला जहां राजनीतिक रंग लेते नजर आ रहा है, वहीं किसान संगठन भी एकजुट होकर इस लड़ाई में कूद गए हैं। नीलामी रुकवाने के लिए कांग्रेस व इनेलो ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के दखल देने पर SDM द्वारा किसानों की नीलामी रोकने के निर्देश दिए गए, फिर भी बैंक द्वारा किसानों की जमीन नीलाम करने का आज दिन होने के कारण किसानों में भय सता रहा था। पूरे मामले को लेकर कर्ज लिए किसानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किसान पंचायत बुलाई थी। पंचायत में किसान नेताओं सहित राजनीतिक लोगों ने भी हिस्सा लिया। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि हरियाणा में किसी भी किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। इसके लिए भाकियू हर कदम पर सरकार से सीधे रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पंचायत में पहुंचे कांग्रेसी नेता व अन्य संगठनों के सदस्यों ने भी इस लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया। आजाद टीवी न्यूज के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। देखिए, किसानों में कहावत है कि गई इज्जत बचा कुछ नहीं, बची इज्जत गया कुछ नहीं। ये सरकार ने एक फार्मूला निकाला है कि किसान इज्जत से बहुत डरता है और उसकी इज्जत को दो तरह से ये उछाड़ रहे हैं। एक तो बैंकों में फोटोएं लगानी शुरू कर दी हैं, खैर वो तो हमने कई जगह पर आंदोलन किया, अब वो उतार दी हैं। अब इन्होंने ज़मीन के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं और उस गांव में जाके या किसान की ज़मीन की नीलामी करते हैं। मारे शर्म के किसान दो काम करता है, या तो कहीं ना कहीं से बैंक के पैसे भरता है, चाहे वो अपने टूम बेचता है, चाहे वो अपना कुछ नीलाम करता है, और या फिर वो फांसी लगा के जहर खा के मर जाता है। ऐसे देश के अंदर जो आज रिकॉर्ड में आ रहा है, 12,000 किसान प्रति साल मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये गिनती कम है जो रिकॉर्ड में दिखाई जा रही है, बहुत से किसान वो हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहे हैं, और बहुत से किसान वो हैं जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी तो गिनती का कोई अता पता नहीं है। यानी लाखों किसान हर साल आर्थिक तंगी के कारण मर जाते हैं।